फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 6 चैप्टर का जो लेटर्स हमने लेटर्स के चैप्टर शुरू किए थे करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, उसको आज चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और उसमें हमने प्रिकॉशंस लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम आज कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे लेटर्स जिसमें सबसे पहला जो लेटर इसमें आ रहा है आपका 6 चैप्टर में, उसमें सबसे पहले मेंबर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करते समय जब कंपनी लेटर भेजती है तो सबसे पहला कम्युनिकेशन वहां पे क्या हो रहा है लेटर के थ्रू, ये हम आज लेटर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेटर का फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बुक में आपको फॉर्मेट दिया है सेम टू सेम फॉर्मेट आपको बनाना होता है। सिर्फ फर्क क्या है कि आप कंपनी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कंपनी का नाम और एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जिसको आपको लेटर भेजना है तो वहां पे भी आप किसी का भी नाम और एड्रेस लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान आपको रखना होगा कि कंपनी का जो एड्रेस है और जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, तो ऑफकोर्स दोनों का एड्रेस कैसे सेम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये तो कॉमन सेंस की बात है ऑफकोर्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैंने उस बात को पहले से क्लियर कर दिया। और एक चीज़ आपको वहाँ पे लेटर पे आउटलाइन दिखता है, वो आउटलाइन भी आपको बनाना है। मतलब आपको वो आउटलाइन बनाने के बाद लेटर अंदर में लिखना होगा, जैसा आपको फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा। आप अपने से फॉर्मेट नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट। तो यहां पे लेटर सबसे पहला जो लेटर है वो क्या है, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो वहां पे सबसे पहले फॉर्मेटिंग में अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम और एड्रेस आ जाता है। ठीक है, सिन नंबर आ जाता है तो आपको सिन नंबर भी लिखना होगा। वहां पे काउंट कर लेना कि सिन नंबर कितने होते हैं, उसके हिसाब से आप लिखना। तो वो तो अभी फिलहाल आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नंबर काउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। उसके बाद फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, और फिर इस साइड में अगर आप देखेंगे वेबसाइट, ईमेल और डेट। ठीक है, फिर किसको हम भेज रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से ही सिक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉर्मेट का, लेटर का। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट की बात। तो सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन है कि कंपनी इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब वहां पे डायरेक्टली लिखा है कि शेयर सर्टिफिकेट जब कंपनी मेंबर्स को इश्यू कर रही होगी तब ये लेटर लिखा जा रहा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद डियर सर, फिर हम वहां पे मेन जो फैक्टर्स लिखे, मटेरियल लिखा है उसको देख लेते हैं। तो डियर सर, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट एज पर द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 15 I am hereby authorized to issue you a share certificate. अब यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर दिया है, एप्लीकेशन नंबर सॉरी, और वो क्या कह रहे हैं कि सर हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपने कंपनी के पास फॉर्म भरा था। इसका मतलब जो जयंत यहाँ पे मोदी है, जयंत मोदी को कंपनी लेटर क्यों लिख रही होगी, क्योंकि जयंत मोदी ने कंपनी में एप्लीकेशन दिया होगा शेयर्स के लिए, उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा कंपनी में। ठीक है, इसीलिए कंपनी कह रही कि सर आपका एप्लीकेशन नंबर 50 था। तो एप्लीकेशन में सीरियल नंबर होता है, जितने कंपनी एप्लीकेशन इशू करती है हर एक एप्लीकेशन पे एक सीरियल नंबर होता है, तो वही सीरियल नंबर यहां पर रेफर किया जा रहा है कि सर आपने जो एप्लीकेशन भरा था उसका नंबर था 50, और कंपनी का जो यहां पे सेक्रेटरी है वो ये लेटर जयंत मोदी को लिख रहा है। ठीक है, एप्लीकेंट को लिख रहा है इसका मतलब। और उसमें सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं कि उसको ऑथोराइज किया गया है आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, मतलब एप्लीकेंट को शेयर सर्टिफिकेट, सब्सक्राइबर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ठीक है, इसलिए वहां पे बोला जा रहा है दिस इज इन्फॉर्म यू दैट योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 15 एंड आई एम हियर बाय अथोराइज टू इशू यू शेयर सर्टिफिकेट। तो वहां पे सबसे पहले आपको मोटिव समझना होगा, लेटर का मोटिव क्या है। इसका मतलब एप्लीकेंट ने कंपनी के पास एप्लीकेशन भरा होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, और जब उसका वेरिफिकेशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग लेकर ऑलरेडी इशू कर चुके होंगे, मतलब अलॉटमेंट कर चुके होंगे, तो अलॉटमेंट होने के बाद फिर कंपनी क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट एप्लीकेंट को इशू करती है। तो उस समय ये लेटर भेजा जा रहा है। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट होने के बाद शेयर सर्टिफिकेट देने की बारी आती है, किसको, एप्लीकेंट को, सब्सक्राइबर को। और उस समय कंपनी लेटर लिखकर, कंपनी के सेक्रेटरी लेटर लिखकर उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है वहां पे। एंड द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड यू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट।
कंपनी क्या कह रही है, ये लेटर लिखने के बाद 15 दिन के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। जो आपने फॉर्म भरा था उस समय जो आपने एड्रेस दिया होगा उसी एड्रेस पे कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट भिजवा देगी स्पीड पोस्ट के थ्रू, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हो सकता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू हो सकता है, वहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कंपनी शेयर सर्टिफिकेट उसके दिए गए एड्रेस पे, एप्लीकेशन पे जो एड्रेस लिखा होगा उस पे कंपनी सेंड करेगी, ये बात वहां पे मेंशन है। और फिर उसके बाद डिटेल आती है कि डिटेल क्या होगा शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का। तो सबसे पहले फोलियो नंबर, फोलियो नंबर मतलब वो डिटेल जहां पे वो मतलब एंट्री पास करके रखते होंगे, वो फोलियो नंबर की बात हो रही है। फिर शेयर सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट का भी नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर्स, तो वो नंबर वहां मेंशन होगा। और जो नंबर इसको इशू होगा किसी और शेयर होल्डर को इशू नहीं होगा इस नंबर का शेयर सर्टिफिकेट, इसका मतलब। और डिस्टिंक्ट नंबर मतलब किस नंबर से लेकर किस नंबर तक शेयर्स उसको दिए जा रहे हैं। जैसे किसी ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 100 शेयर के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे जैसे लिखा है 301 to 400, तो 301 से लेकर क्वांटिटी 301 से लेकर 400 तक का शेयर्स की क्वांटिटी इस पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा है। और ये जो शेयर्स होगा क्वांटिटी, ये किसी और को नहीं दिया जाएगा, ये सीरियल नंबर का इसका मतलब, ठीक है, इसलिए वो भी मेंशन करना बड़ा जरूरी है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसको कितने मिल रहे हैं, जयंत को 100 शेयर्स कंपनी उसको दे रही है। इट शैल ऑलवेज बी अवर एडवेयर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ योर सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम। और कंपनी लास्ट में क्या लिखती है, सेक्रेटरी क्या लिखते हैं, इसका मतलब कि हमें हमेशा खुशी होगी आपको अच्छी सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। मतलब कंपनी यहाँ पे उनको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे हमेशा, और उसमें कंपनी को हमेशा खुशी मिलने वाली है। और फिर उसके बाद आता है थैंक यू, उसके बाद योर फेथफुली कंपनी का नाम रहेगा, और लास्ट में सिग्नेचर होगी कंपनी के सेक्रेटरी की, ठीक है। तो वहां पे कंपनी के सेक्रेटरी सिग्नेचर कर फिर ये लेटर जो है वो सब्सक्रिप्शन वाले पर्सन को भेजा जाएगा, जिसने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए उसको कंपनी भेज देती है। लेकिन ये कब भेजा जाता है, अलॉटमेंट होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद ये लेटर कंपनी भेजती है। तो वहां पे आपको मोटिव समझना होगा कि एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा था, कंपनी ने उसको शेयर अलॉट किया होगा, और कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट अब देने जा रही है। इसका मतलब वो अब शेयर होल्डर बन चुका। शेयर सर्टिफिकेट कब दिए जाते हैं, ऑफ कोर्स जब कंपनी में जो फॉर्म आया था वो एक्सेप्ट हो चुका होगा और वो पर्सन शेयर होल्डर बन चुका होगा, तब कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट देती है। ये है मेजर मोटिव इस लेटर को लिखने का। और शेयर सर्टिफिकेट उसको एक बार मिल जाता है तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो जाएगा कि वो शेयर होल्डर है, और उसको सारे राइट्स, सारे जो ड्यूटीज राइट्स मेंशन होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उसके पास एक प्रूफ आ जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट मिल गया मतलब उसके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि वो शेयर होल्डर बन चुका है, ठीक है। इस तरह से कंपनी लेटर लिखती है, और ये फर्स्ट लेटर था। इस वीडियो में हम फर्स्ट लेटर कवर कर रहे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेटर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए और लाइक तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट लेटर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको भी क्लियर हो चुका है तो फटाफट एक लाइक जरूर मार दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए, ठीक है, चैनल पे बने रहिए, तब जाकर आपको फटाफट नए नए अपडेट्स की वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।